तो इसमें है सांबर, चटनी, खजूर, पपीता। तिलावत वगैरह नहीं कर पा रही हूँ लेकिन इंशाल्लाह मैं। तो अभी हम लोग जस्ट गुलबरी मस्जिद से लगा रही है और सो मैं आपको दिखाता हूँ कितना आया हुआ है सिंघाड़ा, केला, पकौड़ी। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो आज के ब्लॉग का मैं शुरुआत करती हूँ थर्ड रोजे की सहरी से। उठो, सहरी नहीं करना है। सो लास्ट ब्लॉक में जैसे कि देखिए कि अभी कुछ लोग अम्मी जैसे कि और बहुत कोई अभी हॉस्पिटल में है और कुछ घर पर है, तो अभी सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पर सभी को भी सहरी के लिए उठा दी हूँ, और यहाँ कुछ कुछ रात का बिरयानी और यहाँ पर चाय पराठा बन रहा है सहरी के लिए। अजान हो गई है फ्रेंड्स फजर की, और मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। The next day. हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से मैं आ गई हॉस्पिटल। अभी पूरे फैमिली आए हुए हैं और इस वक्त बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। बस दुआ कर रही हूँ अल्लाह से सब कुछ ठीक हो जाए, और यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ मेरी सिस्टर की आज डिलीवरी है, तो अभी देखती हूँ जो भी होता है आपको अपडेट देती हूँ। A few moments later. मेरी आने वाली नस्ल में आया हुआ है सिंघाड़ा, केला, पकौड़ी, खजूर। हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं केबिन में, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इफ्तार भी हमारी हो गई है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, और शाम का वक्त हो गया तो अभी सभी थोड़ा सा रिलैक्स है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी हो और हाँ दोनों केबिन में है। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पिछले दो दिनों के बाद फर्स्ट व्लॉग जो मैं रमज़ान का आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद आज मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ। अभी इस वक्त अभी भी पूरी तरह से ना कहूँगी, तो ये देखिए जनाब यहाँ पर बिज़ी है, बात करें किसी फ्रेंड से। अभी मैं फ्री हुई हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। जो भी हुआ है आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा फ्री हो गया, अभी तो फ्री हुई हूँ इफ्तार के बाद। अभी थोड़ा सा यहाँ पर जनाब के साथ वॉक कर रही थी, तो अभी केबिन में जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। आगे जो भी रहेगा अपडेट आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ तो जगी हुई थी लेकिन टाइम से पहले ही
यहाँ पर बैठ गई हूँ सेरी करने के लिए, तो अभी भी मैं हुजूर से खाने बिल्कुल भी मन नहीं है, तो अभी सेरी करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जस्ट गोलबरी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले हैं, और ये हम पहली बार गोलबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़े हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और आज माह रमज़ान का पहला जुमा है, आप सभी को जुमा मुबारक। तो आज है और मेरा जुमा यहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, कोई आता तो मैं निकलती हूँ घर, क्योंकि जुमा है तो माह रमज़ान का है पहला जुमा है। Two hours later. सो हाई फ्रेंड्स, जनाब आए हुए थे गुलमुरी किसी काम से, तो नमाज़ के बाद मुझे आ गए लेने के लिए पानी के, और अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, काफ़ी धूप है आज, तो घर पहुँच के जो भी करती हूँ पता चल। तो यहाँ पर एमजीएम के ठीक सामने जो फ्रूट्स लाइन है, यहाँ पर आज तो देखने से भीड़ लगती है कि वहाँ रमजान की रौनक है, और कोई पेशेंट के साथ साथ इफ्तार के लिए भी फ्रूट्स ले जाता है। अभी देखिए आज मॉर्निंग में चौक टाइम इतनी वापसी में ट्रैफिक क्या है, तो यहाँ रोज कहाँ ले गया है। हाय फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गई हूं घर और अभी मैं फ्रेश होंगी, दो दिन से हॉस्पिटल में थी, और फिर उसके बाद इफ्तार में देखते हैं कितना टाइम है क्या है जो भी करती हूं। अभी कुरान शरीफ भी पढ़ना है और अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा है, बस दुआ में याद रखिए फ्रेंड्स। तो अभी मैं मुझे आने के बाद फ्रेश होने में टाइम लग गया, मैं यहाँ पर सिर्फ समोसा में जो है वो फिलिंग कर ले रही हूँ, बाकी सब कुछ मम्मी अभी इफ्तार की तैयारी कर रही है। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज भागदौड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, और अभी इफ्तार का वक्त होने वाला है, बाहर नल से इफ्तार लगा रही है, तो देखते हैं कि कैसा रहता है। यार टोपी पहन रहे, ध्यान नहीं रहा। A few moments later. Assalamu alaikum guys, कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा भागदौड़ ज़्यादा रह गया इसलिए आज ज़्यादा शूट नहीं कर सका, लेकिन अभी इफ्तार का वक्त हो चुका है, नाज़िर बार इफ्तार लगा रही है, और सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ्तार में क्या क्या है। और सीरियसली आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रोज़ा का एहसास तो नहीं हो रहा है, सर भी नहीं हो रहा है, मौसम भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी तो है नहीं इधर जमशेदपुर में, आपके यहाँ कैसा है मौसम ज़रा ज़रूर बताइएगा। सो इफ्तार इधर लग चुका है, और क्या है इफ्तार में? इफ्तार में इधर है शायद आज तो इसमें है सांबर, चटनी, खजूर, पपीता, और ये तरबूज लेकर आ गया था राजा, जो कि बिल्कुल भी मीठा नहीं है, पका हुआ नहीं है। यहाँ है समोसा, उधर सैलेड, इसमें है पकौड़ी, फिर अगेन समोसा, कीमा वाला, अंडा चॉप, वड़ा, घुगनी, शरबत। और तो रोज़ा, और आज जो ख़त्म सेरी है वो 436 और इफ्तार जो है 559 में है, और आज रमज़ान का पहला जुमा भी है, तो थोड़ा सा हो जा रहा है, उतना रेगुलर तलावत वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसे आने वाले रोज़ों में कंप्लीट कर लूँगी, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अभी फ़िलहाल चलती हूँ इफ्तार करने। माशाल्लाह फ्रेंड्स, अभी नमाज़ और इफ्तार हो गई है, तो मैं भी फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि निकलने वाली हूँ जनाब के साथ बाहर, और कुछ कुछ जनाब को इंस्टीट्यूट का सामान लेना है क्योंकि नेक्स्ट फिर मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो निकलती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं जानती हूँ कि आप समझते होंगे मुझे कि मेरा रमज़ान का वीडियो इस तरह से क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मैं रियली बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बस अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे सपोर्ट दीजिए अपना, और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।